नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कल हुए क्रिकेट मैच के रिजल्ट के बारे में। कल कौन सी टीम के बीच मैच खेला गया था, इस मैच का रिजल्ट क्या रहा और इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो शुरू करते हैं। कल की मैच की डेट और वार थी 12 सितंबर 2017 मंगलवार। कल मैच हुआ था पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के बीच। यह पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था। यह मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर खेला गया था जो कि पाकिस्तान के अंदर है। मैच का ठोस वर्ल्ड 11 ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। मैच का रिजल्ट यह रहा, पाकिस्तान ने यह मैच 20 रनों से जीत लिया। इस मैच के अंदर खेलते हुए बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। बाबर आजम ने 52 बॉलों पर 86 रन बनाए। अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 2017 के मैच के टोटल स्कोर के बारे में। पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने 197 रन बनाए 5 विकेट खोकर और 20 ओवर के अंदर। वहीं पर वर्ल्ड 11 ने 177 रन बनाए 7 विकेट खोकर और 20 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 टीम के प्लेयर के बारे में। पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन और विकेट कीपर के बारे में। पाकिस्तान टीम के कैप्टन और विकेट कीपर का नाम है सरफराज अहमद। अब हम आपको बताते हैं वर्ल्ड 11 टीम के कैप्टन और विकेट कीपर के बारे में। वर्ल्ड 11 टीम के कैप्टन का नाम है फाफ डू प्लेसिस और विकेट कीपर का नाम है टिम पेन। तो यह है कल के मैच का रिजल्ट। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।